ओम श्री गणेशाय नमः। नारद पुराण के अनुसार संकष्टि चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। गणपति भगवान की कृपा से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टि चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है और साल भर में कुल 12 संकष्टि चतुर्थी के व्रत रखे जाते हैं। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टि चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टि चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन गौरीपुत्र गजानन भगवान गणेश की पूजा करने से यश, धन, वैभव, अच्छे सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आश्विन मास की संकष्टि चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जानिए चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन सूर्योदय और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। गणेश भगवान की पूजा करने से, आराधना करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। अश्विन मास में विघ्नराज संकष्टि चतुर्थी पर व्रत रखकर गणेश भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। चतुर्थी व्रत के प्रभाव से भक्तों की हर बाधा दूर हो जाती है, सारे संकट टल जाते हैं और पितृपक्ष में आने वाली इस चतुर्थी के दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। साल 2023 में 2 अक्टूबर सोमवार के दिन संकष्टि चतुर्थी है और इस दिन भगवान गणेश के साथ ही पूरे शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। 1 लोटा जल सूर्य देवता को और 1 लोटा जल अपने पितरों को भी अर्पित करना चाहिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर सोमवार की सुबह 7:37 से, जिसकी समाप्ति होगी 3 अक्टूबर मंगलवार की सुबह 6:12 पर। 2 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो कि भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है, सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक। अमृतकाल का समय रहेगा दोपहर 1:49 से 3:20 तक। राहुकाल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। तो आपको राहुकाल के समय का ध्यान रखना है। इस समय कोई भी नया काम ना शुरू करें, किसी भी शुभ कार्य को करने से बचें। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:21 पर। तो संकष्टि चतुर्थी का जो व्रत है वो आप रात 8:21 के बाद से कभी भी खोल सकते हैं। इसी समय आपको चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। चतुर्थी के व्रत में दिन भर उपवास रखा जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत में यदि संभव हो तो आप निर्जल निराहार रहकर व्रत रखें, नहीं तो आप इस व्रत को भरपूर मात्रा में जल के सेवन के साथ और फलों के साथ भी रख सकते हैं। गणपति बप्पा को सिंदूर का तिलक लगाकर, धूप दीप जलाकर और उन्हें भोग में दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाकर आपको पूजा करनी चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और फिर शाम को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर मौसमी फल, खीर या फिर मूंगफली या साबुदाने से अपना व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में यदि हो सके तो नमक का आपको त्याग करना चाहिए। यदि जरूरी हो तो सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष नहीं लगता, साथ ही चंद्र देवता की कृपा भी बरसती है। अगर आप इस दिन संकष्टि चतुर्थी की व्रत कथा भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कथा भी सुनाई जाएगी, जिसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस दिन अपलोड होने वाली कथा आपको सही समय पर मिल सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।